दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फेक शॉप के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये सेफ शॉप नहीं बल्कि फेक शॉप है। और मैं आप लोगों को 100% साबित कर दूंगा कि ये एक स्कैम कंपनी है। प्रूफ देखिए। हमको तो यही बोला था कि पर सप्ताह पैसा मिले, खाली एक बार लगा के देखो। और कुछ काम उम करने के विषय में बताया था? नहीं, हमको बोला कि नहीं तुमको कोई जरूरत नहीं काम करने से। एक साल से पार हो गया तो कितना रुपया पास आपके पास आया? एक भी रुपया नहीं आया। मुझे फंसाया गया है 12,031 रुपया लेकर। दोस्तों प्रूफ देख लिया ना, और आप इस वीडियो को हर एक नेटवर्कर को दिखाइए क्योंकि उनको दिखाना बहुत जरूरी है। और आप वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आप लोगों को अभी मैं और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। हे गाइस, दिस इज अमन सर, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि भाई सेफ शॉप के अंदर क्या बड़ा गलती हो रहा है और क्या गलत नहीं होना चाहिए, वो सारा कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूं। तो भाई अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम इज @manzoor43, आप जाए उसे फॉलो करें। तो चलिए गाइस हमारे इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस दोस्तों आज मैं आप लोगों को 3 जरूरी बात बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि भाई सेफ शॉप कंपनी लीगल है या फिर इनलीगल। और जहां तक मुझे पता है कि भाई कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलाने के लिए उस कंपनी के अंदर 3 चीज सही होना बहुत जरूरी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, 3 चीज। वो 3 चीज क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि भाई सेफ शॉप कंपनी लीगल है या फिर इनलीगल है या फिर ये पूरा 100% फ्रॉड तरीके से काम कर रही है। आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा अभी तुरंत। पहला मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो पहला पॉइंट ये है कि भाई कोई भी कंपनी का बैकग्राउंड, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, चाहे वो सेफ शॉप हो, चाहे वो वेस्टिज हो, चाहे वो एमवे हो, चाहे वो मॉडिकेयर हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, उस कंपनी का बैकग्राउंड सही होना बहुत जरूरी है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, और उस बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी आ सकता है। उस बैकग्राउंड के अंदर ये भी आ सकता है कि भाई कंपनी कितने दिनों से चल रही है, कंपनी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कहीं केस वेस में तो फंसे हुए नहीं है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो शुद्ध तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कंपनी का जो प्लान है कहीं वो फोर्जरी तो काम नहीं कर रही है, कंपनी का जो प्लान है वो ये तो नहीं बोल रही कि भाई आप 10,000 डालो 2 महीने के बाद 20,000 हो जाएगा। तो आपको इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है, और कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को ये 3 चीज देखना बहुत जरूरी है, जिसमें आता है पहला कंपनी का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर बहुत कुछ आता है जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्लियर कर ही दिया। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की। जी हाँ, दूसरा पॉइंट के अंदर आता है प्रोडक्ट। पहला में आता है कंपनी का बैकग्राउंड, क्योंकि अगर बैकग्राउंड सही नहीं रहेगा भाई तो आप उसमें काम कैसे कर सकते हो। अगर कोई भी कंपनी का जड़ अच्छा नहीं रहेगा, कोई भी पेड़ का जड़ अच्छा नहीं रहेगा तो भाई पेड़ तो फिर मर ही जाएगा ना। उसी तरीके से अगर कंपनी का बैकग्राउंड सही नहीं रहेगा तो वो कंपनी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं प्रोडक्ट की, जो कि दूसरे पॉइंट पे आता है। तो कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो उस कंपनी के अंदर आप देखिए कि जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल है या फिर नहीं है। आपको ये देखना है कि जितना अमाउंट लिया जा रहा है उतना का प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है कि सेफ शॉप जो है ना वो खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाती है, कंपनी के पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है। और इसके पीछे कंपनी का एक कारण भी है कि वो खुद का प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाई है। जैसे आप अमेजन को देख लीजिए, फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, स्नैपडील को देख लीजिए, वो क्या करती है कि वो ब्रांड से टाई अप होकर काम करती है। उसका काम क्या है, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना, चाहे वो कहीं से भी लाए, आपको सही सलामत प्रोडक्ट पहुंच रहा है और आप उसे पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल सेफ शॉप का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी तरीके से, वो प्रोडक्ट के अंदर उलझना नहीं चाहती है, और इसीलिए सेफ शॉप आज बहुत सारे ब्रांड से टाई अप होकर बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई फ्रॉड प्रोडक्ट बेच रही है, सारा प्रोडक्ट लीगल है, सारा प्रोडक्ट शुद्ध है, तो आप उसे शुद्धता तरीके से खरीद सकते हैं। और आप उसे खरीदते हैं उसके बदले सेफ शॉप आपको बिजनेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि सेफ शॉप का जो मकसद है ना वो क्या है, आपको बिजनेस देना, ना कि प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी मिल ही जाता है बहुत सारे जगहों पे, लेकिन सेफ शॉप का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, आपको बिजनेस देना और वहां से आपको ग्रो करवाना। मैंने बहुत सारे आप लोगों को एग्जाम्पल हमारे चैनल के अंदर ही दिया है कि भाई जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिनके पास
कुछ पहले से था नहीं, वैसे वैसे लोग यहां से करोड़पति बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि सेफ शॉप का कॉन्सेप्ट के कारण, सेफ शॉप का बिजनेस के कारण। वो प्रोडक्ट खरीदने के बदले आपको बिजनेस देती है। तो पहला चीज जो मैंने आप लोगों को बताया सेफ शॉप के अंदर, वो है उसका बैकग्राउंड। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई उसका जो बैकग्राउंड है वो गलत है, क्योंकि अगर वो गलत होता तो वो 23 साल से मार्केट के अंदर नहीं टिकती। दूसरा, सेफ शॉप का प्रोडक्ट भी गलत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसका बहुत ज्यादा अमाउंट और बहुत ज्यादा उसके अंदर बीबी कम दिया जाता है। तो इन सब चीजों के अंदर सेफ शॉप को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो भाई इसी तरीके से लोग वीडियोस बनाएंगे और सेफ शॉप के ऊपर ब्लेम लगाएंगे। अब मैं बात करता हूं तीसरा पॉइंट का। पहला, कंपनी का बैकग्राउंड, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट, और तीसरा कंपनी का लीडर। और मैं आप लोगों को कड़वी बात बताना चाहता हूं, कड़वी बात, सेफ शॉप के जो लीडर है ना, वो सभी लीडर नहीं, लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं जो बहुत गलत तरीके से काम करते हैं। और यही पे आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा कि भाई सेफ शॉप का जो बिजनेस प्लान है ना, वो 100% स्कैम है, इनलीगल है, फ्रॉड कर रही है। आप लोगों को यही पे पता चल जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई जो सेफ शॉप के जो लीडर है ना, उसके अंदर 5 गलतियां हैं, और वो 5 गलती के कारण कंपनी का बैंड बजा के रखे हैं। जी हाँ, वो 5 गलती कर देते हैं लीडर, जिसके कारण कंपनी बदनाम हो रही है। वो 5 कारण क्या है? सेफ शॉप के जो लीडर हैं, उसका जो पहली गलती है वो है सेल्स का हेरा फेरी करना। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है आप लोगों को, लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि मुझे कॉल आता है, मैं सेफ शॉप के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मैं टिप्स देता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं सेफ शॉप के अंदर ही, और भी दूसरे कंपनी वाले भी कॉल करते हैं कि भाई सेल्स का जो हेरा फेरी होता है ना, वो लीडर्स करते हैं। सभी लीडर्स नहीं करते, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो सेल्स का हेरा फेरी करते हैं, और उसी कारण से टीम जो है वो टूट जाता है। और जब प्रोडक्ट लोगों के पास नहीं आएगा तो इससे सीधा ब्लेम किसको जाता है? कंपनी को जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे कंपनी गलत नहीं है, बल्कि कौन गलत है? लीडर गलत है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, कंपनी गलत नहीं है, लीडर गलत है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दूसरा गलती के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जिनका कैरेक्टर बहुत ही गंदा होता है। अगर उनके टीम के अंदर कोई लड़की आ गई ना, तो उसके साथ वो अवैध संबंध बनाने लगते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं और आपकी टीम के अंदर कोई लड़की है ना, तो भाई उसे बहन समझो, माँ समझो, उसके साथ कोई अवैध संबंध नहीं बनाओ, क्योंकि अगर आप वैसा करते हैं तो आपका जो टीम है वो 100% में आप लोगों को गारंटी देता हूं कि वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, वो टीम जो है वो टूट जाने वाला है। और बहुत सारे लीडर्स ऐसा करते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास लोग कॉल करते हैं और बताते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और इसीलिए आज मैं सेफ शॉप में काम नहीं करता हूं, या फिर आज मैं वेस्टीज के अंदर काम नहीं करता हूं। तो इस तरीके से कांड होता है सेफ शॉप के अंदर। तीसरा गलती जो है वो है झूठ बोलना। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, और जो रट्टा हुआ प्लान को लोगों को समझाते हैं, और वो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि मेरा इनकम 50,000 महीने का है, वो ये बोलते हैं कि मैं इतना कमाता हूं, मेरे पास ये है, ये है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको महीना महीना 5,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। भाई उसको ये भी बताओ कि 5,000 महीना आना कैसे स्टार्ट होगा, तुम क्या करोगे जो आपका 5,000 आना स्टार्ट होगा? ज्वाइन करके बैठ जाने से तो पैसा नहीं आएगा ना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आप ज्वाइन कर लोगे ना एक बार, तो आपको महीने महीने पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं झूठ है, गलत बात है, और बहुत सारे लीडर ऐसा करते हैं। चौथा चीज जो है ना, वो बहुत जरूरी है भाई, टीम तोड़ना। बहुत सारे ऐसे अपलाइन है जो अपने डाउनलाइन का ही टीम को तोड़ देते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर किसी का टीम बनता है ना, तो उसी के थ्रू बनता है। अगर आप किसी ज्वाइनर को ज्वाइनिंग करवाए, वो अपने रिलेशन वालों से मिलवाया, वैसे करते करते उसका टीम ग्रो कर गया, और वो किसी कारणवश वो काम नहीं कर पा रहा, कहीं वो बीमार हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम में उलझ गया हो, तो बहुत सारे लीडर क्या करते हैं ना, उसका आईडी को बंद कर देते हैं और उसके नीचे वाले टीम को अपने में डाल लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसके साथ भी ऐसा हुआ है ना, वो थाना में जाए और केस करे अपने अपलाइन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये गलत हो रहा है।
ये पूरी तरीके से गलत हो रहा है। और इसी चलते सेफ शॉप का नाम भी खराब हो रहा है कि भाई सेफ शॉप ऐसा कर देती है। और सेफ शॉप जो है ना, जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, इन सब चीजों में उनको एक्शन भी लेना चाहिए। टीम तोड़ने वाला चीज है, वो बहुत गंदा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ये मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। पांचवा गलती जो है ना, वो है बहुत बड़ा गलती, अपलाइन को भगवान मान लेना, अपलाइन को मां बाप मान लेना, अपलाइन को सब कुछ मान लेना, यह आपका सबसे बड़ा गलती है। मेरा कहना यह है कि भाई अगर आप जिसके थ्रू काम कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहा है, उसको आप रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। वो अगर कहते हैं सही चीज करने को तो वो चीज भी आप फॉलो करो, लेकिन अगर आप मां बाप उसे मान लेंगे ना, तो वो गलत चीज भी बोलेंगे तो आपको सही लगेगा और कहीं ना कहीं आप इस चीज में फंस जाएंगे और आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। लीडर है उसको लीडर मानो भाई, माँ बाप एक ही होता है, माँ बाप का जगह कोई नहीं ले सकता है और आपका ईश्वर का जगह भी कोई नहीं ले सकता है। तो आप इसे उसे भगवान बनाना बंद करें और आप लीगली तरीके से काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अंधभक्त होते हैं और अंधभक्ति की तरह काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो धोखा खा जाते हैं। तो जितना आप खुद से काम करेंगे, जितना आप अपना खुद का टीम को ग्रो करेंगे, जितना आप खुद सीखेंगे और टीम को सिखाएंगे, उतना आपका टीम ग्रो करेगा। और सेफ शॉप के अंदर या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी है और किसी को समझाने से पहले सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग नहीं सीखते हैं और ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। और आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप उसे क्या बताएंगे, फिर रटा रटाया हुआ चीज बताएंगे और कहीं ना कहीं ये गलत है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं तक था और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि भाई सेफ शॉप का जो बिजनेस प्लान है ना, वो 100% इनलीगल है, फ्रॉड है, स्कैम है। और मैं उन्हीं को बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूं कि भाई सेफ शॉप कंपनी गलत नहीं है, उसके अंदर जो कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, वो गलत है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो ही गया होगा। और अगर आप एक नेटवर्कर है ना, चाहे वो कोई भी कंपनी के हो, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 100K इसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। 100K हम लोग बहुत करीब है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम @samanthri43 आप जाओ फॉलो करें। तो चलिए गाइस, मिलता है नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।